एक आया सिद्धार्थ नगर का बीजेपी का वो दलाल जिसका नाम राघवेंद्र सिंह है, कहता है हैदराबाद के अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो सिद्धार्थ नगर आए उसकी लुंगी उतार देंगे। अरे राघवेंद्र सिंह, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं है कि तुम हमारे बैरिस्टर की आंखों में आंखें डाल दो। वो बैरिस्टर है कोई धोती कुर्ता पहनने वाला, कोई टोटी चोरी करने वाला, कोई बाबा का नाम लेने वाला चोर नहीं है। बाहर से पढ़ के आया है राघवेंद्र सिंह। तू कहता है क्या करेंगे, कहते रहो 2022 में भी सफा हो गए, 2024 में भी सफा हो गए, और ऐसा सफा हो गए कि आला हजरत की तुम पर दुआ रहेगी, पाकिस्तान चले जाओगे। अब मैं माइक पर बुलाऊंगा कानपुर की सरजमीन से चलकर तशरीफ लाए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ही जबरदस्त सिपाही जनाब पंडित क्षितिज द्विवेदी जी को कि वो माइक पर आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। पंडित क्षितिज द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप सभी को तहे दिल से प्रणाम है मेरा। आज आपको पता है कि ये प्रोग्राम उस आला हजरत की सरजमीन पर हो रहा है जिनका सम्मान हर हिंदुस्तानी के दिल में है, जो हर हिंदुस्तानी उनका सम्मान करता है। उसी जगह वो दलाल अखिलेश यादव सम्मान नहीं करता और बात करता है मुशायरे की। मुझको बताइए, आज हमारा प्रोग्राम शोषित और वंचित समाज सम्मेलन है, मतलब जिसका इस्तेमाल किया गया और जिसका इस्तेसाल किया गया हमारी पार्टी में आते हैं और कंधे पर बैठते हैं, कुर्सी नहीं बिछाते हैं, याद रखो। आज मैं आपके दरमियान में कोई वोट मांगने नहीं आया, मैं आज आपसे कहने आया हूं कि बहुत सारे दलाल आपके दरमियान में है, उसमें से सबसे बड़ा दलाल आपका अखिलेश यादव है, सबसे बड़ा दलाल मुलायम सिंह यादव है, जो कहता है कि मैं मुल्ला मुलायम हूं, जो कहता है कि मैं मुशायरा करा के उस दलाल पाकिस्तानी जिन्ना का नाम लेके मुसलमान का वोट वसूल लूंगा। अरे मुसलमानों, तुम हिंदुस्तानी हो, तुमने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को लात मार दी थी, याद रखो। आज आपसे कह दूं कि यादव और उसमें अखिलेश यादव सुबह सुबह आपके दरमियान आते हैं, एक लीटर दूध देते हैं जिसमें 250 ग्राम पानी होता है, आप उस पर भरोसा करते थे। वो बहन मायावती जो 2010 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, इसी बरेली की सरजमीन पर दंगा हुआ, नहीं बोली, क्यों बोली? अरे वो मुसलमान को अपने बाप की जागीर समझती है, क्यों बोलेगी? ये बात मुसलमान नहीं समझा और वोट देता गया। और लेकिन आज जब से 2014 से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कदम रखा, मुसलमान ने अपने जहन में यह बात उतार ली कि अगर हमारा कोई नुमाइंदगी कर सकता है उस फिरौन बाबा के सामने तो वो केवल मजलिस के नुमाइंदे हैं, और पार्लियामेंट में वो नरेंद्र मोदी जो इस वक्त का फिरौन है उसकी आंखों में आंखें डाल के अगर कोई बोलता है तो वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बहुत सारे दलाल हैं, सब चुप हैं,
जुलूस की परमिशन नहीं मिलती। और वही अभी कल आते हैं अमित शाह, उनकी परमिशन है, हमारे को दौड़ाते हो। याद रखो, आज हम सत्ता में नहीं है, कल हम सत्ता में भी होंगे, कल हम कुर्सी पर बैठेंगे, इंसाफ होगा। एक आया सिद्धार्थ नगर का बीजेपी का वो दलाल जिसका नाम राघवेंद्र सिंह है, कहता है हैदराबाद के अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो सिद्धार्थ नगर आए उसकी लुंगी उतार देंगे। अरे राघवेंद्र सिंह, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं है कि तुम हमारे बैरिस्टर की आंखों में आंखें डाल दो। वो बैरिस्टर है, कोई धोती कुर्ता पहनने वाला, कोई टोटी चोरी करने वाला, कोई बाबा का नाम लेने वाला चोर नहीं है। बाहर से पढ़ के आया है राघवेंद्र सिंह। तू कहता है क्या करेंगे, कहते रहो। 2022 में भी सफा हो गए, 2024 में भी सफा हो गए, और ऐसा सफा हो गए कि आला हजरत की तुम पर दुआ रहेगी, पाकिस्तान चले जाओगे। मैं आपके बीच में, समय कम है, बैरिस्टर साहब आ चुके होंगे, यही कह रहा हूं कि जिस कौम के पास अपना सियासी नेता नहीं होता, जिस कौम के पास अपना झंडा और डंडा नहीं होता, वो काम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ती है, उसको हक नहीं मिलता, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। इस बात को अपने जहन में उतार लो, वो दलालों के चक्कर में मत पड़ना जो मायावती और बुआ और बबुआ कहते हैं गठबंधन नहीं करेंगे। अरे कुछ समय रुको, ये बुआ ये बबुआ दारुसलाम में घुटने टेकेंगे और गठबंधन के लिए कहेंगे ओवैसी साहब हमसे गठबंधन कर लो। तब मैं जाऊंगा और कहूंगा नाक सीधी करके आ, फिर गठबंधन होगा। बहुत समय कम है, मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापती है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।